हैप्पी ह्यूमन राइट्स डे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज 10th of December है और 10th of December को हर साल हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। ह्यूमन राइट से रिलेटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 10th of December 1948 को आया था और इसको ह्यूमन राइट्स को यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया। आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया के सारे लोगों के लिए, चाहे वो देश मोनार्की हो, चाहे वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी देश हो और कोई भी लोग, चाहे वो काले हो गोरे हो, सारे लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स को यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था 1948 में। और ये ऐसे राइट्स हैं जो हर सिचुएशन में, चाहे वो वार सिचुएशन हो चाहे वो पीस सिचुएशन हो, हमेशा एप्लीकेबल होता है। आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों को फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार वार के समय में, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो बाय बर्थ मिले हैं हम लोगों को और अंटिल डेथ तक रहेंगे और ये हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे वार सिचुएशन हो या पीस सिचुएशन। ये दिन हम लोगों को ये याद दिलाता है कि हम सब लोग दूसरे मानवों का, अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरे मानवों के अधिकारों का सम्मान करें, जो हमारे ड्यूटीज हैं उन ड्यूटीज को पूरा करें, और जो लोग ह्यूमन राइट से अवेयर नहीं है उन लोगों को ह्यूमन राइट से अवेयर कराएं, उनके अधिकारों के बारे में उनको हम लोग बताएं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपके बीच बुलाना चाह रहा हूं हमारे पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी कुणाल सर को, जो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी है सिंगानी कॉलेज में। ये हमारे कोचिंग के भी पॉलिटिकल साइंस के यूजीसीनेट के फैकल्टी हैं। मैं उनको बुलाऊंगा कि वो आप आए और दो सब मानव अधिकार पर पढ़े। कुणाल सर प्लीज लेट मी नो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वी ऑल नो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द 71st राइट 71st मैग्ना कार्टा which is established in 1948 of 10th December, right? आप सब लोगों ने human rights class में पढ़े हैं, right? You all have studied this and you all know the history and how much the importance of human rights in our basic life. That's why even in our constitutional, we have got the fundamental rights, which are our basic rights, which are necessary for our livings. If you can say that. आज अगर देखा जाए तो अगर राइट्स ही नहीं है हमारे पास तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होता है, राइट? पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऑथर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन ग्रीक थिंकर्स, यूरोपियन फिलोसोफर्स, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, उनका एक ही ओपिनियन था, एक ही चीज के लिए लड़ते थे, वो है उनके अधिकार, सिर्फ अधिकार, राइट्स के लिए। मतलब आप देख सकते हो, आपने विटनेस किया कि कितना इम्पोर्टेंस है राइट्स का हमारी लाइफ में। इसीलिए इंडिया में भी ह्यूमन राइट्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे ही मोदी सर ने कहा था कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वी ऑल रिसीव द सेम एंड इक्वल राइट्स, ओके, इवन दोज हु नॉट डिजर्व द राइट्स वी प्रोवाइड देम इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, अगर जेल में भी कोई लोग है जो कोई जुर्म की सजा काट रहे हैं, उन्हें भी हम कुछ अच्छे से जीने के तरीका सिखाने का राइट और उनको एक अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। सजा तो काट ही रहे लेकिन उसमें भी उनको कुछ सुविधाएं मिलती है, उसमें भी ह्यूमन राइट्स का इम्पोर्टेंस आता है। अगर इसका हिस्ट्री, इफ यू गो बैक, इफ यू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, वी नो दैट 10 दिसंबर 1948 को फर्स्ट मैग्ना कार्टा आया था, बट द ओरिजिन, इफ यू लुक अबाउट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द फर्स्ट टाइम इन 1215 किंग जॉन ऑफ लंडन फर्स्ट यूज द टर्म एज अ मैग्ना कार्टा of human rights, which are necessary to run the country, to make the people happy, to give them opportunity to grow in their life for the welfare of society. These are very necessary rights and हम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब लोग हैं जो हम इंडिया में रहते हैं, जहां पे हमें हर तरह की स्वतंत्रता, हर तरह के अधिकार, हर तरह के राइट मिलते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी उन्नति कर सके। तो इसी चीज को याद रख के मैं ये सब चाहता हूं कि आप सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स हो, आप ह्यूमन राइट्स पढ़ते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, मैं यही आपसे आशा रखता हूं कि आप दूसरों के राइट्स का और अपने राइट्स का भी आदर रखें और आप फिर से आप सबको 71st
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई विश यू ऑल गुड लक इन योर फ्यूचर. थैंक यू. जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि आज हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे. और कुणाल सर ने अभी हमारे बीच आकर काफी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताया है. और हम लोग जानते भी हैं कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बना है इंडिया में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के. और जब से एनएचआरसी बना है तब से लेकर आज तक एनएचआरसी इंडिया में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है. एनएचआरसी का मेन काम है सारे जेल जो इंडिया में है उनको विजिट करना, और जेल में जो वायलेशन हो रहा है, जो राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उन सारे राइट्स के वायलेशन को मेन स्ट्रीम में लाइट में लाने का काम एनएचआरसी कर रहा है. जितने भी इनकाउंटर है, चाहे वो फेक इनकाउंटर हो या नॉर्मल इनकाउंटर, जैसा भी हैदराबाद वाला भी मैटर न्यूज में है, उसमें भी एनएचआरसी की टीम गई है साइट पे उसको इंक्वायरी करने के लिए. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में काफी सेफ है, जैसा कि कुणाल सर ने भी बताया, क्योंकि इंडिया में एक तो फंडामेंटल राइट के साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी है, और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल में एनएचआरसी है, और 25 स्टेट में क्या है भंडारी को कि वो हमारे बीच आए, और ह्यूमन राइट्स पे दो सब बोल मिस्टर अचल भंडारी. Are completely violated in daily news or newspaper.
we heard or we read that women are brutally exploited. So, specific acts or laws should be made or proclaimed so that some specified laws or acts should be made so that this crime against women should be revoked, and the human rights are applicable for all humans of this world. It is applicable for all. It is no discrimination in the terms of religious, caste, sex, race or place of birth. Human rights are applicable for all, and everyone and every person of the world should have knowledge about the human rights. That what are human rights? How should we use them? How should we, if anyone exploits us in terms of human rights, then how can we control them or go against them? So my opinion is only that human rights should not be exploited, and every person of the country should have the knowledge of human rights. It should be made by the government or SHRC or NHRC so that this crime against women or everyone or anyone should be revoked or diminished. So that's all my side. Thanks. अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे क्लास के सीआईएसएफ बैच से स्टूडेंट हैं मिस्टर सनी, जो पेंटिंग भी बहुत अच्छा बनाते हैं और अपने विचार भी बहुत अच्छे से हैं। हमारे बीच आ रहे हैं मिस्टर सनी। वुमन डे हम 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 1948। इस दिन मानव अधिकार के मैदान में 5 वर्षीय संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार और नोबल पीएस प्राइज दिया जाता है। संस्थाओं और सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यक्रमों में योजना होता है जिसमें कि मानव अधिकार का प्रकाश डाला जाता है। अब हमारे बीच एसएससी बैच से मिस्टर मुदस्सिर आजम आ रहे हैं और वो हमारे बीच आएंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे ह्यूमन राइट के ऊपर। मिस्टर मुदस्सिर आजम प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, मॉर्निंग टीचर्स एंड रिस्पेक्टिंग माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द ह्यूमन राइट्स डे व्हिच इज अडॉप्टेड बाय यूएन मिशन ऑन 10 दिसंबर 1948 to protect our human rights, which is very necessary for sustainable development and peaceful country for everybody in the world. It is the most translated document which is written more than 500 languages for the world, for peace and for peacefully. At the end, I wanted to speak that we all stand up for our rights, human rights, and those for others. Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू। और क्योंकि आज हम लोग ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये हम लोगों का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नैतिक कर्तव्य भी कह सकते हैं हम लोग। कि दिल्ली में भी आप जान रहे हो आग लग गई और आग लगने की घटना के कारण 43 से ज्यादा लोग जलकर मर गए। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उसके साथ साथ इंडिया में कई ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुए जिसमें आप रेप विक्टिम के केसेस को देख सकते हैं। हैदराबाद के डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उसके साथ साथ उन्नाव केस, तो कई सारे ह्यूमन राइट के वायलेशन अभी हम लोगों ने देखा है। दिल्ली वाली घटना भी बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी। तो हम लोग 2 मिनट का मौन इन सब लोगों के लिए जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, हैदराबाद की विक्टिम, उन्नाव के विक्टिम और ये 43 लेबर्स जो फैक्ट्री में जल के मर गए, उनके लिए 2 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे कि गॉड और माइटी सत्ता उनकी आत्मा को शांति दे। तो प्लीज सब कोई खड़े हो जाएंगे और हम लोग 2 मिनट टाइम के लिए मौन रखेंगे।